हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रणाम सर। आपके बगैर कपिल मेरे को मिला दो ना प्लीज। पहले आपको बिना मिलवाए 5 मिनट का गाना गा गए आप। मिलवा दूं तो कहीं उनके घर ना चले जाना आप। नहीं नहीं तेरे को नहीं पता बेटे, मैं जब मुंबई में नया नया आया था ना जी, 3 दिन मैं धर्म जी के घर पे रुका था। अच्छा अच्छा क्या बात करे। फिर इनके नौकरों को पता चल गया, वो अलमारी खोल दी, फिर मैं निकल गया। फिर जब मैं निकला ना, उन्होंने बड़ी आवाज दी, रुक अबे रुक। मैं कहना 3 दिन से ज्यादा कहीं रुको फिर इज्जत नहीं होती। ये धर्म जी एक्चुअली हमारे दूर के चाचा जी हैं। ये तो स्ट्रगल ही करते हैं वैसे तो, पर ये पता नहीं फेंकते रहते हैं लंबी लंबी। मैं धर्म जी को जानता हूँ, शत्रु जी को, मैं इसलिए बिठा के पूछ रहा हूँ। फिर फिल्मों में ट्राई किया आपने बॉम्बे जब गए? नहीं नहीं मैं आया तो ट्राई करने, फिल्म ही करनी थी, लेकिन शत्रु जी की फिल्में देखते देखते इतना मैं बिजी हो गया, क्योंकि जब ये आते थे ये कहते थे शाम आए तो उसे कह देना छेनू आया था। अब मैं शाम को बोलने चला जाता था, अब आता था फिल्म खत्म, फिर रोज का मेरा काम हो गया। फिर एक दिन मैं शाम को लेके बिठा दिया, मैं कहा छेनू जी से आप बात कर लो, मैंने अपनी फिल्म भी खत्म कर ली। मेरी सारी उम्र ऐसे ही निकल गई। आप तो बोल रहे थे आपने इनके साथ काम किया है। हाँ मैंने झील के उस पार वो की थी इनके साथ। आपने देखा उस फिल्म में? आप तो थे नहीं। नहीं नहीं ये झील के उस पार हो रही थी ना शूटिंग, मैं झील के इस पार था। हुआ क्या कि मैं वैसे झील के ऐसे तैर के उधर जा सकता था, पर मैं हीरो बनना नहीं था। क्यों? हीरो में क्या है, सस्पेंस नहीं है कुछ, पता होता है ये आएंगे पहले हीरोइन को देखेंगे, प्यार हो जाना, गाना गाओ, शादी कुछ है। छोटे जो रोल होते हैं उसमें सस्पेंस होता है। कैसे मतलब? जैसे मैंने बाहुबली की थी अभी। अच्छा? बाहुबली में कहां थे आप? देखना शुरू, सोचना शुरू कर दिया सस्पेंस। ये कहां था, ये क्या घोड़ा बना था, हाथी बना था, क्या था, सस्पेंस। ये चाचा जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम क्यों नहीं कर लेते? बेटे ये लगता है कि टाइम वेस्ट, मैं 3 साल से एक फिल्म लिख रहा हूँ हम तीनों पे। अच्छा अब जाके 5 साल बाद प्रोड्यूसर माना है कि मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं पता क्या है, उसने शर्त रख दी, नहीं जी 2 ही हीरो होंगे। अब तू बता ना, मैं धर्म जी को मना कर सकता हूँ ना इनको मना कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से लोगों ने फिल्म देखनी है। आपको मना किया होगा प्रोड्यूसर ने? ओ मैं भी कहूँ मार मार के क्यों बोल रहा है कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ओ अच्छा अब समझ आई मुझे। चाचा जी एक तो आप ना थोड़ा आराम से बात करो, ज्यादा फैलना नहीं। धर्म जी का हाथ देखा आपने? तूने मेरा मुंह देखा? मैं इंडस्ट्री में एक ही बंदा हूँ जो इनका पूरा थप्पड़ अकेला खा सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये प्यार है, अरे जिनको उनका हाथ पड़ जाए ना, समझो यहाँ हाथ पड़ गया, आशीर्वाद मिल जाता है। तो धर्म जी आपने काफी फिल्में की हैं, इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनें भी, मतलब एक हीरोइन को मेरे को बताओ, मैंने सेल्फी करानी है, मैंने अपनी वाइफ को जलाना जरा के हीरोइन। ये बात चाची ने सुन ली ना, है कहाँ वो चाची? चाची हाँ। क्या हुआ? अरे चाची को क्या हुआ? अरे यार सुन तो ले पहले बात, ये तो कुल्फी लेके आए मटके वाली। चाची यार ये ना थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आता ना टीपे तो लगता भर गई, ऐसा कुछ नहीं यार। तो कुल्फी कुल्फी मैं बाद में खाऊंगा। चाची कहाँ? अरे चाची भागी पड़ोसी के साथ। ओहो भागी और आप कुल्फी खा रहे हो, तो मेरे दांत लेके थोड़ी भागी वो। अरे यार बता क्या, चाची तो फिर आ जाएगी, कुल्फी वाला नहीं आना। कुल्फी वाला क्यों नहीं आएगा यार, उसके साथ तो भागी है ना वो। तू कुल्फी का, अरे एक मिनट तू कुल्फी खा, चाची और ले आएंगे। अच्छा चाची और ले आएंगे। सब सुन लिया मैंने। नहीं, नहीं। चाची और ले आओगे? नहीं, नहीं। इधर ही रुको, आती हूँ मैं जरा। नहीं नहीं, नहीं। वो चाची बदलने की बात कर रहे हैं, आप तालियां बजाई जा रहे हो, किसी का घर उजड़ रहा है, ये क्या बात होती है? क्या कहा आपने? नहीं ओ मजाक।
मजाक अगर इतना अच्छा मजाक कर लेते ना तो इस शो में 3 साल पहले आ गए होते। मजाक कर रहा था। हाय रब्बा, दो दो सुपरस्टार आए। नमस्कार, सत श्री अकाल। दो नहीं 3, मेरे को भी गिन। अच्छा, आपको भी गिनूं? आपको जनगणना वाले इंसानों में नहीं गिनके गए, मैं आपको सुपरस्टारों में गिनूं? आए बड़े। धर्म जी, आपने शत्रु जी के साथ फिल्म की है ना? मैंने इस शत्रु के साथ शादी की है। खामोश। ना करा करो, उनकी हंसी निकल जाती है। खामोश सिर्फ एक ही बंदा करता अच्छा लगता है, शत्रु जी। खामोश। शत्रु जी इतना अच्छा खामोश करते हैं कि इंसान छोड़ो अर्चना जी, मैं वाली लड़की भी चुप हो जाती है। कहती है मैं नहीं बाकी का रास्ता बताऊंगी, बाकी पान वाले से पूछ लो। मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, मेरा भतीजा चाची को मिलेगा नहीं? आए मेरा कप्पू, आए मेरा बच्चा। कैसी चाची? ये क्या सूख के काटा हो गया बच्चा? तू भी तो फूल के बटाटा होगी चाची। देखो जी, अंदर गेहूं पड़ा है, वो आटा हो गया। ये क्या? अरे तो और क्या, लोगों ने कहा 3रा एपिसोड हो गया और चाचा कुछ बोल ही रहा। मैंने अपने डायलॉग भी तो बोलना कोई। धर्म जी, शादी से पहले इन्होंने मुझे ऐसी बातें कर करके फंसाया, कहते मुझसे शादी कर ले। मैं धर्म और शत्रु का कॉम्बिनेशन हूँ। अच्छा, कैसे मतलब? हाँ मैं हूँ। ये देखो, ये अंगूठा देखो, पाजी के अंगूठे से मिलता है। घुटना देखो, पाजी के घुटने से मिलता है। और क्या होता है? सोते हुए कभी मुंह देखा बंदर से मिलता है? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलना। मेरा मुंह नहीं मिलता, बंदर का मेरे से मिलता होगा। मेरा नहीं मिलता। मुंह से मुझे याद आया, इतने साल हो गए शत्रु जी हमारी शादी को, इस बंदे ने 10,000 बार मेरा मुंह देख लिया, लेकिन आज तक मुझे मुंह दिखाई नहीं दी। पैसे दिए मुंह दिखाई दी कभी? ये पैसे तो ये मुंह है। शुक्र करो जी आपको, इतने सालों से मैं झेल रही हूँ। वरना शत्रु जी, मेरे से पहले 8 लड़कियां मुंह पे मना करके गई हैं, वो भी ऐसे करके नहीं, चलो है, ऐसे करके। जब 8 लड़कियां मेरे को कर गई हैं चलो है, तो तूने ज्यादा इंटेलिजेंट जरूर बनना था। तू क्यों मना कर देती? आप मुझसे बात ही मत करो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आए, मैं धर्म जी से बात करूंगी। सत श्री अकाल सर। सर आप पंजाब से है ना? मैं भी पंजाब अमृतसर से। तो क्या? अरे पंजाबी पंजाबी बेटी के घर पहली बार आए, आपको कोई शगुन शगुन देना हो तो शर्माना नहीं सर, दे दो कैश में। पहले पानी वानी पूछ उनको। आपको इतनी अकल नहीं है कि जब बेटी के घर आते हैं पानी नहीं पीते? कप कप चाय पी ली वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। पाजी अब देखो मेरा क्या हाल हो गया, पहले मुझे फुलझड़ी कहते थे, शुरली। पाजी हर लड़का मुझे मनोरमा कहता था, मनोरमा मनोरमा, मैं एकदम मनोरमा जैसे बोलती थी। नीचे आजा बेटी, गीता बिटिया, पंखे पे क्या लटकी है बेटा, गीता बच्ची तेरी चाची हूँ, नीचे आजा बेटी, ऐसे करती थी पाजी मैं। चलो ये तो कन्हैया हो गया, अब मनोरमा। शादी से पहले मनोरमा थी, अब कन्हैया लाल हो गई हूँ मैं। अरे चाची, मैं आपको एक बात बोलनी भूल गया दोनों को। Get out. Okay, okay. उन्होंने ऑर्डर कर दिया बेटे, अब चलें। हाँ जल्दी जल्दी। थैला लेके जाओ आप। थैला, थैला बाबू थैला, मैं बाबू थैला, थैला, थैला। इधर चलो। ब्लॉग बनाते हैं ब्लॉग। अच्छा था एपिसोड? आपको अच्छा लगा सबको? मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, आज पूरे एपिसोड में जो अर्चना जी का डांस मोमेंट था धर्म जी के साथ, मजा ही नहीं आया उसमें। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं लेकिन आप बताइए अर्चना जी, भाई मेरा डांस कैसा रहा? अरे इसका डांस क्या, जहां तो हमने गोविंदा जी का ना देखा हो तो तब तू बात कर, जब तक उनका अच्छा तेरा वही होता है। एक देखो मेरा, बताओ मेरा गाना कैसा लगा अर्चना जी? बाद में बताएंगे, लेकिन आपने ये किया क्या? एक डांस करने वाला कम था, जो गाने गाने वाला भी बुला लिया, आप भी गाते हो, ऐसे लग रहा कि इंडियन आइडल खत्म ही नहीं हुआ। अच्छा अभी सो, तो मैंने तो शुरू ही नहीं किया। हाँ तू शुरू करता तो पहले एपिसोड में खत्म हो जाता। इधर क्यों बैठा, इधर आ, इधर आ यार, तू भी हम सबके बीच में ही है। ये देख रहे भाई, इतनी जल्दी थी इसको एपिसोड में आने की, बाथरूम से सीधा यहाँ पर आ गया। बिल्कुल नहीं, ये मैंने टाइल लगाई हुई है, टाइल। अच्छा एक बात बता कपिल, सिद्धू का आइडिया किसका था? अर्चना मैम,
इस टैलेंटेड बंदे का। पक्का तेरा था? मेरा था ही। इसको बाहर फेंकवाओ। चल जा बाहर जा। लोगों को जो याद नहीं है, जो भूल गए हैं, तू उसे वापस यहाँ पर क्यों बिठाता है? मेरे को कह रहे थे कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करना, तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसा कर लेते हैं। बस यही क्रिएटिव है तेरे पास? है और कुछ नहीं है? कुछ एक्टिंग कर ले, कुछ कॉमेडी कर ले। अर्चना जी, हाँ, जो मर्जी कर लो, लेकिन वैसे जो आज मैं लग रहा हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं भी स्टार्स की इंटरव्यू लूँ। अच्छा, तू करेगा इंटरव्यू? नहीं, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तुम जाके बाहर ऑटो चलाओ। ओ हेलो, तमीज से बात कर, जो कह रहा कर तू, चल। एक मिनट, आप सब बातें करी जा रहे हो, उधर बादाम पे बादाम खत्म किया जा रहा। पाजी ऐसे मत करो, 6 महीने तक यही चलाने हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। रोशन, एक 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 बात बताओ, कैप्सिकम तुम बनी क्या हुई थी आज? हेमा मालिनी। अच्छा, हेमा मालिनी, ओके ओके ओके, वाह वाह, चलो वो तो फिर भी लगती हैं। आपका कैसे ये अपने बिल्कुल कैरेक्टर में आ गए, खामोशी हो गए। किकू भाई, मस्ती मजाक अपनी जगह, ये अच्छा लगता है, आप बताओ, खुद बताओ आप। या जब तैयार हुए उसके बाद आपने देखा अपने आप को? सही कह रहे हो भाई, सही। शत्रु जी और बैठने वाले थे आधा घंटा, इनको देख के जैसे है ना, तो फिर मैं चलता हूँ। लेकिन जो मर्जी हो, पैकअप के बाद मैं तुम्हारे ही ऑटो में घर जाऊंगी। गाइस, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को डेरोगेट मत करो यार। क्या करो, क्या करो? पूरा एपिसोड खत्म हो गया, अब इन्होंने काम किया है। एक तो इस शो के जो भी डायरेक्टर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, हाँ, हमें भी अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम दिया करो। आपने क्या पहना सुदेश जी, क्या बने हुए आप? नहीं, वो मैंने परफॉर्मेंस जो देनी थी ना, मेरे को अंदर से लगा कि मैं एक बंदा कर नहीं सकता, फिर मैं इधर से ऐसे धर्मेंद्र बन गया, इधर से शत्रु भी शायद दोनों से हो जाए, लेकिन फिर भी ये बाजी मार गया बंदा अकेला ही। उनको इतने अच्छे कॉस्ट्यूम दिए, ऐसा लग रहा है इनसे लोन लेके हमने शो शुरू किया। चंदू, तू क्या बना हुआ था? यार मैं अमीर आदमी बना था। नहीं नहीं, एक्ट में क्या बना था? धर्मजी बना हुआ था। ये किस एंगल से धर्मजी लगता है तुम्हें? किस एंगल से? मैं भी सलमान खान हूँ। तो शर्ट उतार पहले। नहीं 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 नहीं। मैंने कहा अगर ये धर्मजी है तो इसको भी पूछा ये क्या बनी हुई है। तू क्या बनी हुई है? मैं जो भी बनू, सब मुझे पसंद करते हैं। वाह, ये इन्होंने साबित कर दिया कोई बात पे पंच नहीं होता इनका। क्योंकि ये फैक्ट था, इसीलिए सब तुझे पसंद करते, तो सब पे आसोनी पे क्यों आ रही थी? ये मेरा वर्ड प्ले था। पर एक बात बताओ, मेरी डांस कैसी लगी? मेरी पहले तो डांस का जेंडर चेंज करो, कैसी लगी? नहीं होता, कैसा लगा? अभी मुझे कह रही थी मेरा हेमा कैसा लगा, मैं कहा जैसी इनकी शत्रु थी। यार एक सेकंड, ये आप ना कभी उसको बोलते हो उसने ये किया उसने किया। परफॉर्मेंस देखो अर्चना जी, हर बंदा अपनी तरफ से अच्छी ही देता है, सबने अच्छी दी, लेकिन जो इसका नेचर अच्छा लगा ना मेरे को, वो एक अलग है। सुदेश जी, एक बात बताओ, आपने और कृष्णा ने कितना साथ में जोड़ी में काम किया है? हाँ, आज कितना काम? एक सेकंड, मैं जोड़ियों से विश्वास ही उठ गया, ये तो यहाँ बैठा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि पहले से है मेरे को ना निकाल दे आप। लेकिन इसने मुझे जो मेरा मतलब धोखा दिया, मैं इसको, मैंने घर पे अर्चना जी थिएटर बनाया सिर्फ इसके लिए, ओ, क्योंकि इसकी फिल्म ना थिएटर में लगती नहीं है। मैंने सोचा चलो, एक मिनट, आप सबको पता है कॉमेडी में मैं था, मैंने इसको सिखाई। अच्छा। लेकिन ये बंदा मेरी जगह लेके, मैं कह भी किसको रहा हूं जो खुद किसी की जगह लेके बैठी। सॉरी सॉरी। नहीं, सुरेश जी मेरी बात सुनो, आपको कोई बात तो कृष्णा की अच्छी लगती होगी। हाँ, यही लगती है कि चलो पैसे जब मांगता हूँ उधार दे देता बेचारा। नहीं, लेकिन मैं सच्ची कहूंगा, हमारा प्यार बड़ा है, मतलब हमारी जोड़ी भाई, हम कॉमेडी सर्कस में काम करते, कृष्णा सुदेश को ही मतलब अलग अलग नाम नहीं लेता, कृष्णा या कृष्णा सुदेश, मतलब ये हाल है, इनका बेटा भी मार्केट में जाता है तो लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा जाता है।
भारती तूने इतना वेट क्यों लूज कर लिया, तू ऐसी गोलमोल अच्छी लगती पता है। सच्ची? हाँ, ये ना पतली होके शिमोना लगने लग जाए। मैं मतलब ये लो। गोल ही रहना चाहिए, गोल रहो, मजा है ना। पर ये देखो कि हम आज बैठे क्यों हुए हैं एपिसोड खत्म होने के बाद, कुछ डिस्कस करने के लिए कि अगर कुछ चीजें नहीं करनी हमें। फिर मैं भी बैठ जाता हूँ क्योंकि सारे बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं। तू सही जगह चुनकर बैठा है। चंदू को अपनी जगह पता है। वेरी गुड चंदू। देखो थोड़ा सा अलग होना चाहिए बाकियों से, तब जाकर आपकी अलग पहचान बनती है। क्यों दोस्तों? तुम अपनी तरफ ध्यान दिया करो, इतने दिग्गजों के साथ बैठ कर भी तुम वाह वाह के सिवा कुछ नहीं करती हो। अच्छा इतने धागे पहने किसी भगवान को नाराज नहीं करता ये। सुनो हम लोग ये सोच रहे थे अर्चना जी कि अगर भूरी की शादी चंदू से करा दें शो में, कोई बुरी बात है? क्यों? हमें मैं अपने दर्शकों को खुशी देखी नहीं जाती ना। मैं ये बोल रहा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक्चुअली में सेट वेट रेडी नहीं था कोई। हम लोगों का शूट का कोई मूड नहीं था। ये तो अक्षय कुमार आपको पता है जरूर से पहले आ जाते हैं, वो आ गए तो हमें शूट करना पड़ा, तो हमारी कोई कैरेक्टराइजेशन हुई नहीं अभी। हम सोच रहे थे कि भूरी की शादी अगर चंदू से करा दें, चंदू तुझे मंजूर है? ना, उसे जवाब ही कोई नहीं दिया। क्या हुआ चंदू? ठीक है, कोई ज्यादा खुशी वाली बात नहीं। किससे चाहता है फिर तू? यार मैं चाहता हूँ कोई, मतलब कोई जिसमें कोई बात हो। बात हो? जैसे जैसे मतलब, इनमें बड़ी बातें हैं? नहीं वो वैसी बात नहीं होनी चाहिए है? हाँ कोई अलग बात होनी चाहिए। अच्छा ये कौन सा बात है? ये वही बात है जो तुम में बहुत है। ये वही बात है। हमारी आई थिंक इनकी शादी करवा देनी चाहिए। चलो यार करवा दो शादी। नो नो नो, एक मिनट, मैं तैयार हूँ भूरी के साथ शादी करने। रोशल के वन लाइनर बड़े कमाल के आते हैं रोशल के। हाँ मैं लॉटरी हूँ ना, किसी को नहीं लगती। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ये क्या है? चलो साथियों गुड नाइट, शब्बा खैर, एपिसोड खत्म है, घर जाइए, धन्यवाद, लव यू। डेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।